साली के साथ अवैध संबंधों की जानकारी होने पर युवक ने साथियों के साथ मिलकर चचेरे भाई की करवाई हत्या। यूपी के कौशाम्बी में सिंगवल गांव के एक युवक ने अपनी साली के साथ नाजायज संबंधों की जानकारी होने पर साथियों संग मिलकर चचेरे भाई की फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी। जिले की एसओजी टीम एवं कौशाम्बी थाना पुलिस ने हफ्ते भर के भीतर ही हत्याकांड का राजफाश किया। पुलिस ने चचेरे भाई व पड़ोसी के गाँव के दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने घटना कबूल कर ली है। मुख्य आरोपी सुरु ने बताया कि 8 जनवरी की रात नलकूप के भीतर चचेरे भाई प्रमोद पांडे के सिर पर फावड़ा मारकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि मृतक प्रमोद पांडे का अपने चचेरे भाई की साली के साथ अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी चचेरे भाई को हुई तो वह आग बबूला होकर अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। उन्होंने यह भी बताया कि मृतक प्रमोद का गाँव के अलावा आस पड़ोस के गाँव की महिलाओं व युवतियों से अवैध संबंध था, जिससे उनके परिजन रंजिश रखते थे। दिनांक 9/1/2021 को थाना कौशाम्बी क्षेत्र में एक युवक की हत्या की गई थी, उसी का आज खुलासा किया गया है। खुलासे में ये बात प्रकाश में आई है कि लड़का कई लोगों से अवैध संबंध रखता था, जिस बात को लेकर इसके चचेरे भाई, मौसेरे भाई और गांव के कुछ लोग खुन्नस रखते थे, और उस दिन शराब पिया गया वहाँ पर और शराब के नशे में उसकी हत्या कर दी गई। और उस पर खुन्नस यही थी कि कई लोगों से अवैध संबंध था, जिसमें उनके परिवारिक जन और गाँव के लोग भी शामिल थे।